So, hello friends, our next topic in this series is 9th schedule. We have already done, ये दोनों cases भी हम देख चुके हैं, कर चुके हैं, इनको छोड़ देंगे हम. Ultimately, अगर कुछ देखना है ज़्यादा से ज़्यादा तो बस इतना देख लीजिए कि outlived its utility. 9th schedule का मतलब criticism क्या है कि primary aim जो था 9th schedule का वो ये था कि हमने government जब लेकर आई थी first constitutional amendment act से कि safeguard करना था कुछ लैंड रिफॉर्म लॉज को जुडिशियल स्क्रूटिनीज और डीलेज से. लेकिन ओवर द टाइम हुआ क्या कि गवर्नमेंट्स आई और उन्होंने क्या करा, पर्टिकुलर लैंड रिफॉर्म्स के चलते या पर्टिकुलर वोट बैंक्स के चलते कुछ फंडामेंटल राइट्स और DPSPs को वायलेट किया, प्लस समवॉट ब्लैंकेट एक तरीके से लगाना चाहा. सिंपली इतना अपने को करना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं. अब देखिए ऐसे ही पढ़ी जाती है. अगर हम देख रहे हैं कि ये टॉपिक है और हम एक एक टॉपिक लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, कभी यूपीएससी क्लियर नहीं होगा. अल्टीमेटली यूपीएससी को भी एफिशिएंट ब्यूरोक्रेट्स चाहिए, तो वी वांट एफिशिएंसी, वी वांट क्लेवर लाइक फॉक्स, वी वांट टू बिकम क्लेवर लाइक फॉक्स, नॉट सॉक्रेटीज, राइट. हमें एफिशिएंट बनना है, काम चलाऊ. तो अभी नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका ऑर्डिनेंस. अब देखो ऑर्डिनेंस सुनते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए तुरंत 123 और 212. तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए 123 और 212. 123 मतलब प्रेसिडेंट प्रोमल्गेट करेंगे, 213 मतलब गवर्नर आएंगे, राइट. तो ये चीज़ें हो गई आपकी ऑर्डिनेंस मेकिंग की. ऑर्डिनेंस होता क्या है आप सबको पता है कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती, उसको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लानी होती है तो ऑर्डिनेंसेज आ जाती हैं. अब इससे रिलेटेड केसेस क्या हैं ये देख लीजिए कि RC कूपर केस था, जब उसमें उन्होंने क्या बोला था कि प्रेसिडेंट का जो डिसीजन होगा वो चैलेंज किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड दैट इमीडिएट एक्शन वॉज नॉट रिक्वायर्ड. भाई कई बार ऐसा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही अपनी कुछ ऐसी चीज़ों को लाने के लिए जो उनको लगता है कि पार्लियामेंट में मेजॉरिटी नहीं है या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मेजॉरिटी नहीं है तो डिबेट्स होंगी तो पास नहीं होगा, तो वो ऑर्डिनेंस के थ्रू ले आते हैं. तो ये पर्टिकुलर पर्टिकुलर केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट दिया. एक बार RC कूपर देख लीजिए, हमने पढ़ लिया नॉट रिक्वायर्ड, और ऑर्डिनेंस हैज़ बीन पास्ड प्राइमरीली टू बाईपास डिबेट एंड डिस्कशन इन दिस लेजिस्लेचर. कि मैं अभी आपको डिस्कस कर चुकी हूँ, DC वादमा में ये बोला था कि जो भी लेजिस्लेटिव पावर है एग्जीक्यूटिव की ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट करने की, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, नॉट एज अ सब्स्टिट्यूट. कि ऐसा नहीं कि आपने लॉ मेकिंग को ही एक सब्स्टिट्यूट बना दिया कि भाई चलो लॉ बनाना है, पार्लियामेंट में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा अपनी बुक में कि कई प्रोसीजर्स होते हैं बिल पास करने के. फर्स्ट रीडिंग होती है, फिर सेकेंड रीडिंग होती है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं, राइट. अब तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट है, बिहार में क्या होता था कि गवर्नर के थ्रू ना वो बार 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 प्रोमलगेट करा देते थे ऑर्डिनेंस. तब ये लैंडमार्क जजमेंट आया, इसमें उन्होंने बोला कि केवल ये ही ऐसा ही नहीं कि आपने मतलब गवर्नर या प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन हो गया तो आपने ऑर्डिनेंस इशू कर दिया, और दूसरी चीज़ ये इम्यून नहीं होगा जुडिशियल रिव्यू से. अगेन इट इज़ अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन, लिंक इट फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक, ऐसे लिंक करके चलना है. और ऐसे ही वैल्यू एडिशन होता है, आपको कुछ नहीं करना. आपने ऑर्डिनेंस पढ़ा, आपको ये सब चीज़ें पता है, ये सब आपको बुक में सब रट्टा लगाया हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें जो एक्स्ट्रा है वो कैसे करनी है, ये केस लॉज आपको अपने नोट्स में ऐड ऑन करने हैं, ये RC कूपर ऐड करा, DC वादवा कर लिया, दो केस कर लो, मोर देन इनफ है. एक एक लाइन की सुप्रीम कोर्ट ने इनमें क्या बोला है और बाकी आपको अपने अंडरस्टैंडिंग. अब इससे इश्यूज देख लो कि इसका ओवर यूज़ होता है, क्यों होता है. भाई ऑब्वियसली बात है, इमरजेंसी सिचुएशन में लेजिस्लेचर जब सेशन में नहीं होता तो तब होना चाहिए, लेकिन इसको जब मर्जी लोग यूज़ कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल अभी सेंट्रल, ये भी एक डिबेट चल रही है सुप्रीम कोर्ट में कि जो दिल्ली गवर्नमेंट को समवॉट GNCTD एक्ट लाया गया है, अभी ऑर्डिनेंस के थ्रू आया है वो, अभी हम आगे देखेंगे फेडरल रिलेशंस में उसको सिविल सर्विसेज अथॉरिटी वाला आया है दिल्ली में, तो वो ऑर्डिनेंस के थ्रू आया है, तो क्या वो गलत है सही है, वो सब चीज़ों को देखेंगे. सेपरेशन ऑफ पावर को ये वायलेट करता है, क्यों करता है, क्योंकि लॉ बनाना किसका काम है, लेजिस्लेचर का, और ऑर्डिनेंस एग्जीक्यूटिव, तो ऑब्वियसली बात है दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया. नाउ लैक ऑफ क्लैरिटी इमर्ज, जैसे कि आपका फार्म लॉस, ये भी हम पढ़ेंगे. लैक ऑफ क्लैरिटी क्यों है, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन का डिस्क्रिशन है स्टेट गवर्नमेंट पे, सेंट्रल गवर्नमेंट पे, ये डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. इसीलिए फार्म लॉज जब आए थे तो उस पर काफ़ी चर्चा, मतलब बहुत डिबेट हुई थी कि पार्लियामेंट में क्यों नहीं लेकर आया, आपने ऑर्डिनेंस क्यों लेकर आया, कि क्या ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन थी. तो इमरजेंसी सिचुएशन इज़ नॉट डिफाइंड,
ठीक है। और अकाउंटेबिलिटी, इसीलिए ये बेसिकली इन्होंने बोल दिया है, क्योंकि देखो ऑर्डिनेंस जब आता है तो आपको पता है कि उसको अप्रूव होना होता है एट लास्ट। अभी तो आ गया, लेकिन जब सेशन बैठेगा पार्लियामेंट में, सपोज अभी तो पार्लियामेंट में सेशन नहीं है लेकिन ऑर्डिनेंस आप ले आए, बट अब सेशन में आ गया तो ऑर्डिनेंस को अप्रूव होना होगा, जभी तो वो एक्ट बनेगा बाद में जाके, वरना तो हमेशा वो उसकी लाइफ तो हमेशा के लिए नहीं रहती, राइट। तो इसीलिए ये एक समवॉट अकाउंटेबिलिटी आ जाती है, तो ये बेसिक फंक्शन को हैम्पर करता है, क्योंकि भाई अब पार्लियामेंट आगे का लॉज देखेगी या इस पर काम करेगी। नाउ अगेन सेंटर स्टेट रिलेशन के बीच में ये तो बोन ऑफ कंटेंशन हमेशा से रहा है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी वो थी क्वेश्चंस। देखो आपको PYQ ज़रूर देखने हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको नहीं समझ आएगा कि हमें कैसे पढ़ना है। ये IR कॉलो केस जो मैंने आपको उस दिन भी बताया था, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, दिस योर IR कोलो केस, ये ऑलरेडी आप देख चुके हैं। इसमें ये बोलना चाह रहे हैं कि क्या हुआ था उस केस में, अगेन डिटेल। अब इससे घबरा मत जाना, है हमें तो कोलो केस पढ़ना पड़ेगा, नहीं नहीं पढ़ना भैया, एक आध चीज़ें देख लो उसमें, दैट्स एनफ। कोई नहीं पूछ रहा आपसे डिटेल, UPSC विल नॉट आस्क यू द डिटेल्स। नाउ जुडिशियल रिव्यू के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं, क्यों ज़रूरी है जुडिशियल रिव्यू, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अगेन कुछ नहीं, सीधा सा सार है आपका, भाई जुडिशियल रिव्यू इसीलिए इंपॉर्टेंट है ताकि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर अपनी पावर्स को बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्सरसाइज ना कर सकें, सिंपल, और बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट ना कर सकें। अब क्वेश्चन नंबर टू दिस थर्ड 2015, ये आप खुद पढ़िएगा। इसमें आपको बताना है कि सेपरेशन ऑफ पावर डॉक्ट्रीन कैसे ये वायलेट कर रहा है। सीधी सी बात मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी कि एग्जीक्यूटिव का काम है ऑर्डिनेंसेस और लॉ मेकिंग पावर लेजिस्लेचर की है, तो ऑब्वियसली बात है ये कन्फ्लिक्ट है, सेपरेशन ऑफ पावर को वो करता है। साथ ही इन्होंने ये पूछा है कि क्या पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस भी रिपील्ड, क्या इसको रिपील कर देना चाहिए, सीधा सीधा इन्होंने पूछा है। तो आप ये थोड़ा ना लिखोगे हाँ कर देना चाहिए, नहीं, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से रिलेटेड चीज़ें पूछी हैं। ऐसे ही आपको क्वेश्चन पढ़ के चीज़ों को एडिशन करना है। तो सिंपली हमारा इस सीरीज़ का पर्पज़ यही है कि हम आपको इसमें बताएं कि आपको वैल्यू एडिशन कैसे करना है। अब आपको समझ आ गया कि आपने इसको पढ़ा, PYQs देखे, अब आपको समझ आ जाएगा। अब इसका कंक्लूजन देख लो कि भाई पावर टू मेक ऑर्डिनेंसेस होल्ड अ पोटेंशियल फॉर पॉजिटिव इम्पैक्ट, बिल्कुल सही बात है, प्रमोटिंग ऑर्डर एंड एड्रेसिंग इमीडिएट कंसर्न, हाउएवर इट मस्ट बी एक्सरसाइज विद केयरफुल कंसिडरेशन, बैलेंसिंग रेगुलेशन विद फेयरनेस एंड अकाउंटेबिलिटी। बस सिंपल, ये आपका वैल्यू एडिशन हो जाएगा। अब आपके जहाँ भी नोट्स होंगे ऑर्डिनेंस में, इसमें आप इसको ऐड कर लीजिए, सिंपल इज जस्ट दैट।